Assalamu alaikum everyone, how are you? Welcome to Ease English. Uh, and uh, before doing discussion about our today's topic, I would like to say thanks to all those who have subscribed my channel and shared my channel. And now um, I have 100 plus subscribers. So thank you so much. Keep supporting me like this, keep sharing my channel, and uh, keep watching the videos. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन एस्क मी एज आई ऑलवेज से वेल हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने स्टडी कर लिया है नाउन विद इट्स काइंस आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन वर्ब कभी मैं स्कीप कर रही हूँ आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे सो वॉट इज प्रोनाउन प्रोनाउन क्या है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन ऐसा ऐसा लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करें वो कहलाता है प्रोनाउन मैंने आपको कल बताया था नाउन में चार चीज़ें होती हैं एक होता है पर्सन प्लेस एनिमल थिंग तो पर्सन के लिए हम अगर लड़का है और वो एक है तो हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ अ बॉय तो ही इज़ अ बॉय ठीक है अगर एक लड़की है तो अगर हम उसका नाम नहीं लेना चाह रहे हम कह रहे हैं कि वो एक डॉक्टर है ठीक है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से अस्मा इज़ आ डॉक्टर बट मैं असमा की जगह पे असमा का नाम लेने के बजाय मैं अगर को, कोई और वर्ड यूज़ करूँ तो वो प्रोनाउन कहलाएगा और वो है शी शी इज़ आ डॉक्टर ठीक है और इट यूज़ करते हैं हम किसी प्लेस के लिए ठीक है किसी प्लेस के लिए किसी एनिमल के लिए और किसी थिंग के लिए किसी चीज़ के लिए ठीक है नाउन में हमारे पास चार चीज़ें होती है ना पर्सन प्लेस एनिमल थिंग तो प्लेस एनिमल और थिंग का जो प्रोनाउन है वो है इट ठीक है और इसके बाद आता है दे दे यूज़ होता है प्लूरल नाउन के लिए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़्यादा लोग हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ अली एंड अस्मा तो दो लोग हो जाएंगे तो इन दो को हम जो प्लूरल नाउन कहलाएगा वो दे कहलाएगा इसी तरह अगर मैं कहूँ कि बर्ड्स ज़्यादा परिंदे हो जाएंगे तो हम उसको फिर इट नहीं कहेंगे हम उसको दे कहेंगे जब प्लूरल हो जाएगा चाहे जाएग वो बर्ड हो चाहे वो इंसान हो तो हम उसको दे कहेंगे एज अ प्रोनाउन और अगर हमारे पास आ, कोई प्लेस है एनिमल और थिंग है और सिंगुलर है तो हम इट यूज़ करेंगे अगर मैं ये कहूँ कि ही शी एंड इट ये तीनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं और दे यूज़ होता है प्लुरल नाउन के लिए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा ठीक है अब मेरे पास एक कुछ है एक बहुत इजी सी एक्सरसाइज है ये वैसे बहुत ही बिग्नर लेवल की एक्सरसाइज है जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल डैश कुक्स फूड अब ब्रैकेट में सना तो सना का प्रोनाउन क्या होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है तो मैंने तो ऑलरेडी लिख दिया है लेकिन चल इसको हम स्टडी करते हैं सना का प्रोनाउन क्या हो जाएगा क्योंकि सना इज़ अ सिंगुलर गर्ल तो सिंगुलर गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं शी इसी तरह डैश इज़ अ बिग सिटी सिटी इज़ अ प्लेस प्लेस का प्रोनाउन होता है इट इसलिए हमने यहां पर लिख दिया इट ठीक है uh, next is, dash fell down. Children, अब बच्चे हैं प्लूरल ऑफ चाइल्ड है तो इसलिए हमने इसका प्रोनाउन क्या दिया they. ठीक है uh, <laughs> यानी कि ब्रैकेट uh, में लिख दिया केक अब केक का केक इज़ अ थिंग ठीक है तो केक का प्रोनाउन क्या होगा इट यू मस्ट बी थिंकिंग वाई एम आई लाफिंग सो एक्चुअली वेन एवर आई डू रिकॉर्डिंग आई मेक श्योर कि मेरे घर में जितने भी मोबाइल्स रखे हुए हैं अच्छा uh, वो मेरा है ये मेरी मम्मा का वो साइलेंट पे हो ताकि इट विल नॉट इंटरफेयर माई वीडियो बट कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं तो ऐसा भी होता है वेल लेट्स कम टू सेंटेंस नंबर फाइव डैश इज़ अ वाइल्ड एनिमल फॉक्स फॉक्स इज़ एन एनिमल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सिंगुलर है तो हमने इसके लिए एट यूज़ किया ठीक है इसी तरह देयर इज़ अ सेंटेंस डैश वर बिजी और ब्रैकेट में है अली एंड आसिफ अच्छा बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब दो नाम होते हैं तो हम उसको ही एंड ही करके यहाँ पे लिखेंगे नो ऐसा नहीं होता अगर एक नाम है तो आप ही लिखेंगे अगर ज़्यादा नाम है तो आप दे लिखेंगे ठीक है जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी थी एंड नस्मा तो वो ज्यादा है एक से ज्यादा है तो प्लूरल कहलाता है इंग्लिश लैंग्वेज में तो इसलिए हम उसके लिए हमने दे यूज करना था आफ्टर डैट देयर इज अ सेंटेंस इन विच आई हैज मैनी सीड्स डैश हैज मैनी ब्रैकेट में है एप्पल नाउ एप्पल इज थिंग ठीक है एप्पल इज नाउन और सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के लिए और थिंग है अगर तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं ऑल राइट दिस मैंने यहाँ पर इट लिखा द नेक्स्ट सेंटेंस इज डैश वॉज इंटेलिजेंट ब्रैकेट में है अली सही है अली इज अ बॉय एंड अ सिंगुलर बॉय दैट इज वाई आई हैव रिटर्न ही ओवर हेयर यस डैश फ्लाई इन द स्काई हम है बर्ड्स ये ज्यादा हो गया S लग गया प्लुरल हो गया प्लूरल के का प्रोनाउन क्या होता है दे सो so, यस yes. ठीक है फॉर एक्ज़ाम्पल वो कहते हैं मेरा मोबाइल दे नो no, ये वो वाला दे नहीं है ये अंग्रेजी वाला दे है टी एच ई वाई दे ये तो द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन है और ये बिगनर लेवल की एक्सरसाइज है अब आते हैं थोड़े से इसकी काइंड्स की तरफ इसकी काइंड्स क्या हैं अगर आपको आज नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक प्रोनाउन चार्ट भी अपने पास बना के रखा है ये सब इसलिए मैंने बना के रखा है Uh, अब अगर हम इसको आप काइंस भी कह सकते हैं इसको आप प्रोनाउन चार्ट भी कह सकते हैं अब क्या है वॉट इज़ प्रोनाउन चार्ट अब प्रोनाउन चार्ट हैज़ फाइव कॉलम्स जो प्रोनाउन की पूरी फैमिली है ना उसमें ये पाँच मज़ीद इनकी काइंस हैं ठीक है ठीके? एक तो सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन ठीक है जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं एक है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं थर्ड है पजिसिव एडजेक्टिव ठीक है फोर्थ है पजिसिव प्रोनाउन और फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब ये सब चीज़ें क्या हैं इनका यूज़ क्या है हमारे सेंटेंसेस में अगर मैं कहूँ कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बज के बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट सब्जेक एंड ऑब्जेक्ट है तो ये गलत नहीं होगा पजिसिव एडजेक्टिव क्या है पजिसिव प्रोनाउन ये दोनों तकरीबन एक जैसी चीजें हैं लेकिन द वे ऑफ मेकिंग सेंटेंस इज डिफरेंट पॉजिटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस हम अक्सर सुनते आए हैं लेकिन पज़िटिव प्रोनाउन का सेंटेंस हमने बहुत कम सुना है अगर मैं ये कहूँ कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन के सेंटेंस हम मैंने अगर इसको पाकिस्तानी ड्रामास के सब टाइटल्स में पढ़ा है तो यह गलत नहीं होगा मैंने अपनी स्टूडेंट को जो कि मेरी हम नाम थी मैंने उनको जब पज़िटिव प्रोनाउन पढ़ाया तो उन, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पाकिस्तानी ड्रामा है Hmm, ज़िंदगी गुलजार है इस ड्रामे के सब टाइटल में उन्होंने जब ये स्टडी कर लिया था और जब उन्होंने उसका सब टाइटल देखा उनकी ऐसे नज़र से, से गुज़रा तो उसमें उन्होंने बताया मैसे आपने बिल्कुल सही पढ़ाया था कि पल से प्रना का यूज़ कैसे करते हैं आप तो मैंने सोचा मैंने गलत तो नहीं पढ़ा था कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम एक नई चीज़ पढ़ रहे होते हैं हमने उस बारे में बिल्कुल पढ़ा नहीं होता तो चाहे आपकी कितनी ही काबिल टीचर हो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं सही पढ़ा रही है या नहीं लेकिन जब वो प्रूफ देखते हैं ना सब की फॉर्म में किसी मूवी की या किसी ड्रामा के तो फिर उनको यकीन आते तो नो टीचर इज़ नॉट टीचिंग इज्रॉन्ग जी तो वजह से प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये तो बहुत ही हम यूज़ करते हैं और इसका चलें लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम लेट्स चेक वॉट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन अच्छा मैं चाहूँगी कि मैं साथ साथ जो इसका कॉलम है बल्कि अगर मैं इससे पहले आपको ये चार्ट शो करूँ तो क्या ख्याल है अच्छा रहेगा ना चले हम इसको ऐसे स्टडी करते हैं हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर जो होता है वो आई होता है एक्चुअली मैंने ये लिखा था सिंगुलर ठीक है ये सिंगुलर है सेकेंड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल ये सेकेंड पर्सन फ्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल आपको याद हो हमने एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से काइंड्स पढ़े थे उसमें मैंने एक चार्ट की सूरत में आपको बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है कौन सा सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल है कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल है उसी चार्ट को मैंने इस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट को डिफाइन किया है अब आप कहेंगे मैसे आपने तो कहा है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि इसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं अगर हम प्रोनाउन चार्ट के फॉर्म में देखेंगे इसको तो इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे लेकिन अगर आप इसको सिर्फ सब्जेक्ट भी कहेंगे तो बात एक ही यानी अगर आप कान सीधा खींचें उल्टा खींचें बात एक ही है तो ये कहे है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर इज आई सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ वी ठीक है नॉट वी सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ यू मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है कि मेरे पास अगेन कॉल आना शुरू हो गई हैं बट माई मोबाइल इज ऑन साइलेंट तो मेरा माई अटेंशन इज गेटिंग डाइवर्ट टूवर्ड्स माई मोबाइल कॉल्स अच्छा दीन थर्ड पर्सन सिंगुलर इज़ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर इज ऑल्सो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर इज ऑल्सो इट ठीक है फर्स्ट पर्सन प्लुरल इज वी सेकेंड पर्सन प्लुरल इज़ यू थर्ड पर्सन प्लुरल इज दे ये हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था आपको यकीन याद होगा अब मेन चीज़ आती है इसकी ऑब्जेक्ट ठीक है ये ऑब्जेक्ट है मी यू हिम हर इट अस जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी है यू का ऑब्जेक्ट यू है ही का ऑब्जेक्ट हिम है शी का ऑब्जेक्ट हर है इट का ऑब्जेक्ट इट ही है वी का ऑब्जेक्ट अस है यू का ऑब्जेक्ट यू है और दे का ऑब्जेक्ट दैम है अच्छा इसका ना इसको याद करने का कोई चोर तरीका नहीं है इसको आपने रट्टा मार के याद करना है ठीक है और ये वैसे बहुत मुश्किल नहीं है हाँ मुश्किल तब आती है जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में जाते हैं अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई द पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑफ यू इज योर्स नॉट योर्स दिस इज योर ठीक है पजिटिव एडजेक्टिव ऑफ यू इज योर ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव है हिज शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव है हर ठीक है इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव है इट्स ठीक है और वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव है आर और यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव है योर अब देखिए यहाँ पर भी जो सिंगुलर यू है उसका भी योर है और जो प्लूरल यू है उसका भी योर है लेकिन जो हम यूज़ करते हैं यू को मैंने आपको बताया था कि प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं तो प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे हम इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे हम सिंगुलर वैसे यूज़ नहीं करते क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम सिंगुलर के लिए बोल रहे हैं प्लूरल के लिए बोल रहे हैं ना सुनने वाले को पता होता है ना बोलने वाले को पता होता है वेल well, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है योर एंड दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव है देअर इसी तरह पॉजिटिव प्रोनाउन है आई का पॉजिटिव प्रोनाउन है माइन ठीक है यू का पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया यॉर्स ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया हिज शी का पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया हर्स वी का पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया आर्स और इसी तरह यू का पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया यॉर्स और लास्ट दे दे का पॉजिटिव प्रोनाउन है देअर्स इस तरह ये ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है मी आई का माई सेल्फ यू का योर सेल्फ़ ही का हिम सेल्फ शी का हर सेल्फ इट का इट सेल्फ आर का सॉरी वी का आर सेल्फ़ यू का योर सेल्फ़ और दे का देम सेल्व अच्छा ये आर सेल्फ़ है क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर सेल्फ नहीं है सेल्व्स है यू अगर आप प्लूरल के तौर पे यूज़ करेंगे इसका पॉजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आप योर सेल्व्स बोलेंगे या लिखेंगे लेकिन अगर आप यू एज अ सिंगुलर बात कर रहे हैं तो योर इस तरह आएगा ठीक है और इस दे का पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दैम अच्छा ये चार्ट अभी आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज दिस व्हाट इज़ दिस मिक्सचर ऑफ़ द चार्ट हमको समझ नहीं आ रहा इसलिए हम वन बाय वन इसकी डिटेल पढ़ेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन चार्ट क्या है और इसका क्या यूज़ है सो लेट्स पुट द नोट्स ओवर हेयर अगेन और लेट वॉट इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन अब देखिए हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है डूअर ऑफ एनी एक्शन जो किसी भी काम के करने वाला इंसान है वो सब्जेक्ट कहलाता है अब सब्जेक्ट प्रोनाउन में हम नाम नहीं लिखेंगे हम इस तरह लिखेंगे आई वी यू दे ही शी ये बिल्कुल वही है अगर आपका सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा अगर आपके सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है तो वो यू क्या कहलाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसी तरह अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट शी है तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा ठीक है अच्छा आई मतलब मैं ठीक है वी मतलब हम यू मतलब आप या तुम दे मतलब वो यानी अगर ज़्यादा लोग हैं तो हम वो कहेंगे दे को अगर एक लड़का है तब भी हम उसको वो कहते हैं उर्दू में अगर एक लड़की है तब भी हम उसको वो कहते हैं और इट मतलब ये कोई चीज़ आपको मालूम है कि इट यूज़ होता है किसी प्लेस के लिए एनिमल के लिए और थिंग के लिए ठीक है अब एक एक्सरसाइज में मैंने सेंटेंस कैसे बनाया है एक तो मैंने सेंटेंस में वर्ब का यूज़ किया है ठीक है एक्शन ये देखिए सारे मैंने एक्शन यूज़ किए हैं आखिर सेंटेंस के अलावा आई टीच मैं पढ़ाती हूँ या मैं पढ़ाता हूँ इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है आई सेकेंड सेंटेंस है शी कोक्स फूड शी इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो खाना पकाती है दे प्ले फुटबॉल यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इस तरह वी स्पीक ट्रुथ हम सच बोलते हैं हम या वी यहाँ पर क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू आर बिजी तुम मसरूफ़ हो या आप मसरूफ़ हैं एक ही बात हो गई यहाँ पर यू क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि हमारा डूअर ऑफ द एक्शन होता है इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है द पर्सन हु रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो इंसान वो शख्स जो एक्शन रिसीव करे वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यही चीज़ हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ऐसा इन ऐसे शख्स या ऐसा नाउन ऐसा प्रोनाउन जो एक्शन रिसीव करे अब यहाँ पर चूंकि सिर्फ प्रोनाउन की बात आ रही है यहाँ पर नाउन नहीं आ सकता है यहाँ पर हमें यही वाले प्रोनाउंस यूज़ करने होंगे अगर हम हमारे सेंटेंस में जो भी पर्सन है वो ऑब्जेक्ट है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल आई कॉल यू मैं आपको कॉल करती हूँ तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा आई सब्जेक्ट हो जाएगा और यू ऑब्जेक्ट इसी तरह मी मतलब मुझे यू मतलब आपको हिम यूज़ होता है लड़के के लिए बॉय के लिए यानी उसको फॉर एग्जाम्पल टीचर ने उसको मारा टीचर टीचर ने उसको मारा टीचर बीट हिम ठीक है तो हिम यहाँ पर क्या हो जाएगा उसको आई गेव हर अ गिफ्ट मैंने उसे एक तोहफा दिया तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा इट मैंने आपको बताया कि किसी प्लेस uh, एनिमल या थिंग के लिए यूज़ होता है इसलिए हम उसके जगह पर इट यूज़ करेंगे अस मतलब हमें और देम मतलब उन्हें अब देखते हमने एक्सरसाइज में कैसे करना इसको. है इसको एक्सरसाइज मैंने ये इसलिए बनाई है ताकि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फ़र्क मालूम हो सके कभी कभी ऐसा होता है कि अब जैसे यू है यू सब्जेक्ट भी यू है ऑब्जेक्ट भी यू है तो सब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड नो देखिए दोनों का डिफरेंस ऐसे ही क्रिएट होगा जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा जो एक्शन रिसीव कर रहा होगा या जिस पर एक्शन हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शी कॉल्स मी डेली वो मुझे रोज़ाना कॉल करती है अब शी यहाँ पर डूअर ऑफ द एक्शन है तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो मी है दिस इज़ द रिसीवर ऑफ़ द एक्शन तो ये मी क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ़ द एक्शन ऑब्जेक्ट कहलाएगा ठीक है दे वॉच न्यूज़ विद हर वो उसके साथ न्यूज़ देखते हैं मैंने आपको बताया कि हर यूज़ होता है एक लड़की के लिए सिंगुलर गर्ल के लिए अब ये ऑब्जेक्ट है किसका शी का और यहाँ पर दे सब्जेक्ट है इसी तरह यू नो देम वेल आप उन्हें अच्छे से जानते हैं तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है और यहाँ पर डैम जो है वो ऑब्जेक्ट है इसे द नेक्स्ट सेंटेंस इज तहा वॉर्न हिम तहा ने उसे वॉर्न किया हिम है ही का ऑब्जेक्ट और ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पर जो हिम है मैं, ये इसीलिए हमने सिंगुलर सब इसका ऑब्जेक्ट यूज़ किया तहा यहाँ पर सब्जेक्ट है और हिम उसका उसका नहीं है बल्कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कोई लड़का है वो भी कोई लड़का है ठीक है यहाँ पर हेम ऑब्जेक्ट हो गया पीपल मेक अस फूल यहाँ पर पीपल ये जो वर्ड पीपल है ये सब्जेक्ट है और अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं हमें लोगों की कुछ नहीं आई एस्ट यू आ रिडल मैंने आपसे एक पहेली पूछी यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया यू ऑब्जेक्ट हो गया इसी तरह He gave it a bone. उसने उसे बोन दी यानी एक हड्डी दी अब जहाँ पर इट है मैंने आपको बताया था या तो ये किसी प्लेस के लिए यूज़ होगा या किसी एनिमल के लिए या किसी चीज़ के लिए अब जो बोन है वो डेफिनेटली कोई जगह तो नहीं खाएगी या कोई चीज़ तो नहीं खाएगी वो ऑफकोर्स एक जानवर खाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में डॉग लिखा अगर वहाँ पर कोई और आन, कोई और एनिमल होता तब भी हम इट लिखते हैं हाँ बट ये चेंज हो जाता उसका आ, ठीक है ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन द नेक्स्ट थिंग इज पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव क्या है अ वर्ड डेट इंडिकेट्स द पजिशन ऑफ अ नाउन टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ क्या लिखा है मिसा आपने चल इसको हम थोड़ा आसान करके बता दें ये जो वर्ड है ना पजिशन पजिशन कहते हैं ओनरशिप ठीक है पोजिशन कहते हैं ओनरशिप ओनरशिप कहते हैं मिल्कियत फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये पेंसिल ख़रीदी है तो ये मेरी मिल्कियत है मैं इसकी मालकिन हूँ ठीक है अगर आपने कोई कोई और चीज़ ख़रीदी है तो आप उसके मालिक हैं अगर कोई चीज़ आपको गिफ्ट में मिली है तो भी वो आपकी पोजीशन कहलाएगी ठीक है अगर मैं कहूँ कि ऐसा लफ्ज़ जो आपकी जो हमारे नाउन की नॉट नाउन की अगर ऐसा लफ्ज़ जो हमारे सब्जेक्ट की मिल्कियत शो करे ओनरशिप शो करे तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन होगी और हम हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं नाउन से पहले ठीक है अगर हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ किया है तो हमेशा उसके बाद कोई नाउन आना ज़रूरी है तभी उसकी वो ओनरशिप शो हो सकती है ठीक है अगर मैं कहूँ जैसे मैंने यहाँ लिखा है माए माए मतलब मेरा तो यहाँ ये किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है आई का जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस चार्ट में कि आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है माय ठीक है यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है योर अगर मैं कहूँ क्या मतलब आपका क्या कुछ भी नहीं नो no. योर के बाद यानी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसके बाद नाउन आना जरूरी है अगर मैं कहूँ यइडिया आपका आइडिया तो आइडिया नाउन है हमने कल पढ़ा था और योर क्या हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव किसका यू का कौन से सब्जेक्ट का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर है यू का ठीक है इसी तरह आ, अगर मैं कहूँ हिज़ हिज़ मतलब उसका फॉर एक्ज़ाम्पल दिस इज़ हिज़ पेंसिल ये उसकी पेंसिल है ठीक है अब वो मैंने आपको बता दें हिज एक हिज़ रिप्रेजेंट्स अ बॉय एक लड़के को रिप्रेजेंट करता है ये ही जो है तो ये किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है ही का इसी तरह हर पॉजिटिव एडजेक्टिव शी का है सही है और इट्स है किसी भी यानी कि वॉट टू से इट का पॉजिटिव एबजेक्टिव इट्स है इसी तरह आर का वी का पॉजिटिव एबजेक्टिव है आर यानी हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मुल्क आर कंट्री ठीक है दे आर आइडिया उनका आइडिया दे आर कार उन की गाड़ी योर कार आप की गाड़ी माई कार मेरी गाड़ी हिज कार अगर मैं कहूँ अली की गाड़ी तो कार ऑफ अली ठीक है दोनों तरह से कह सकते हैं ना लेकिन अगर मैं अली का नाम नहीं लेना चाहती तो मैं क्या कहूँगी हिज़ कार अली की गाड़ी हली चूँकि बॉय है बॉय का सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्टिव uh, प्रोनाउन ही है और ही का पद एडजेक्टिव क्या है हिज़ इसी तरह अगर मैं कहूँ सारा आ, सारा की फ्रॉक ठीक है साराज फ्रॉक अब मैं सारा का नाम नहीं लेना चाहती तो मैं क्या देखूँगी सारा क्या है एक सब्जेक्ट uh, है अब सारा का प्रोनाउन क्या है सारा का प्रोनाउन है शी शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है हर तो मैं इस तरह बनाऊँगी हर हर फ्रॉक यानी उसकी फ्रॉक ठीक है ये डिटेल है माय मतलब मेरा योर मतलब तुम्हारा या आपका हिज मतलब अगर लड़का है तो उसका आ, या उसकी या उसके अगर हर है तो फिर तो भी इसका मतलब है उसका उसकी उसके इट का मतलब भी है उसका उसकी उसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि उसकी टांग जख्मी है अब मैं यहाँ पर उसकी यूज़ कर रही हूँ अपनी कैट के लिए तो इट्स लेग इज़ इंजर्ड ठीक है इस तरह ये यूज़ होगा अब एक्सरसाइज देखते हैं क्या है माई कार इज़ ब्लैक मैंने आपको बताया था कि हमेशा पॉजिटिव एबजेक्टिव के बाद नाउन आएगा हमेशा हम पॉजिटिव एबजेक्टिव यूज़ करते हैं नाउन से पहले तो देखें आप यहाँ पर गौर करें कि माई के बाद मैंने नाउन यूज़ किया है यानी पॉजिटिव एबजेक्टिव के बाद मैंने नाउन यूज़ किया है माई कार इज़ ब्लैक ठीक है इसी तरह योर ड्यूटी ड्यूटी इज़ अ नाउन ऑल्सो योर ड्यूटी इज़ टफ़ हिज़ हाउस इज़ न्यू हिज़ यहाँ पर क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव और उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया नाउन मेक श्योर कि जब भी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे ये कभी भी सेंटेंस का आखिरी वर्ड नहीं हो सकता कभी भी ये सेंटेंस का आखिरी वर्ड नहीं होगा अगर हमने इसको सेंटेंस के आखिर में यूज़ कर लिया तो उसके बाद नाउन नहीं यूज़ किया तो वो इनकम्प्लीट होगा इनकम्प्लीट मतलब रॉन्ग ठीक है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है जब भी आप ये पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे उसके बाद क्या यूज़ करेंगे उसका नाउन ऑल राइट इसी तरह मैंने शायद और एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं इसकी येस हर आंट इज आयरिश यानी उसकी आंट aunt, उसकी आंटी जो है वो आयरिश हैं आयरलैंड से ताल्लुक़ रखती हैं हर आंट हर पजिटि एडजेक्टिव हो गया और आंट ये चूंटा नहीं है ये आंटी वाला है ठीक है इट्स टेल इज लॉन्ग उसकी दुम लंबी है दिस आर प्रोबेबली आई हैव सैड फॉर अ काओ क्योंकि काओ यानी कि गाय की टेल लंबी होती है आर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल ठीक है आर पजिटिव एडजेक्टिव साथ में फौरन आया क्या नाउन इसी तरह देयर कैट इज़ अनवेल उनकी बिल्ली बीमार है देयर मतलब उनका या उनकी या उनके ठीक है सो जो ये अभी हमने लिस्ट पढ़ी थी द पजिटिव एडजेक्टिव तो अब आपने इसको इस तरह याद रखना है कि पजिटिव वर्ड निकला है पजिशन से और पजिशन का मतलब होता है मिल्कियत तो जब आप इसको इस तरह याद करेंगे कि माई योर हिज़ ये किस किस का पॉजिटिव एडजेक्टिव है कौन से सब्जेक्ट का है तो आपको इसको याद करने में बहुत आसानी होगी ठीक है ओके okay, ये है पजिटिव एडजेक्टिव अच्छा मैंने स्टार्ट में कहा था कि पज़िटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन एक ही बात है सेंटेंस को दो तरह से एक दूसरा तरीका अगर मैं चाहूँ मैं इसको ऐसे नहीं बोलना चाहूँ तो मैं पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकती हूँ अब पॉजिटिव प्रोनाउन भी पोजिशन शो करता है किसी भी नाउन की किसी इंसान से या ग्रुप ऑफ़ पीपल से यानी अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव प्रोनाउन भी मिल्कित शो करता है किसकी सब्जेक्ट की, की किसके साथ किसी भी इंसान के साथ या किसी ग्रुप ऑफ़ पीपल के साथ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है बट वी डू नाट यूज़ इट बिफोर अ नाउन हम जो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो नाउन से पहले नहीं यूज़ करते हैं अभी मैंने आपको बताया था ना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आपको यूज़ करना है उसके बाद नाउन आना लाजमी है लेकिन पजिटिव प्रोनाउन में हम इसको इसका जो नाउन है वो नहीं यूज़ करते क्यों क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर मैं कहूँ कि ये जो सैन ये जो वर्ड्स है ना माइन माइन का मतलब है मेरा योर्स योर्स मतलब आपका हिज़ हिज़ मतलब उसका अगर लड़का है हर्स हर्स मतलब उसका अगर लड़की है आर्ट्स आर्ट्स मतलब उन हमारा ठीक है और देअर्स मतलब उनका अब अब आप कहेंगे मिस ये तो है कि जैसा है हमने यही पढ़ा था यहाँ पर भी कि माए मतलब मेरा तो माइन का मतलब भी मेरा है योर मतलब आपका है है तो यहाँ पर योर्स मतलब भी आपका है हिज़ मतलब उसका है तो हिज़ मतलब भी उसका है अगर हर मतलब उसका है तो यहाँ पर हर का मतलब भी उसका है तो डिफरेंस क्या हुआ तो भाई ये डिफरेंस ये हुआ कि अब देखें हम कैसे इसको बनाते हैं अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई कार ठीक है दिस इज़ माई कार तो हम क्या करेंगे दिस कार इज़ माइन ठीक है दिस कार इज़ माइन ये मेरी गाड़ी है ठीक है <coughs> इस तरह हम इसे बनाएंगे यानी कि हमारे सेंटेंस में पहले नाउन आ जाएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर वो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा जो पॉजिटिव प्रोनाउन बनाने का फॉर्मूला है वो क्या है कि पहले हम इसका नाउन लगा देते हैं नाउन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं पजिसेव पजिसेसिव प्रोनाउन ठीक है सबसे पहले हमने नाउन लगाया यानी अच्छा ये आप कहेंगे दिस क्यों लगाया तो कार इज माइन अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो कार इज माइन ये भी सही है गाड़ी मेरी है तो ठीक है तो हमने लिखा दिस कार दिस कार ओवरऑल क्या कहलाया नाउन फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया फिर हमने माइन यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया इसी तरह मैं कहूँ दिस कार इज़ योरस ये गाड़ी आपकी है अगर हमने ऐसे बोलना है तो हम ऐसे बोलेंगे लेकिन हम इसको सिंपल में कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज योर कार दिस इज़ माई पेंसिल दिस पेंसिल इज़ माइन आपने अक्सर एक सेंटेंस सुना होगा द फॉल्ट इज़ नॉट माइन या द फॉल्ट इज़ योरस या आपकी ग़लती है तो द फॉल्ट इज़ योर्स ये पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है ठीक है अब देखें ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस था ना वो बनाना बहुत आसान है हमने इस तरह बना दिया पहले हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया फिर उसका नाउन लगाया साथ फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया और बाद में हमने एडजेक्टिव लगाया ये तो बहुत आसान है और ये अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को सिखाना चाहें क्लास थ्री टू के बच्चे को तो आराम से पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना सीख जाते हैं लेकिन जो मेन चीज़ क्या है वो है पजिटिव प्रोनाउन का यूज़ उसके लिए यही फार्मूला है आप सबसे पहले नाउन लगाएंगे नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन ठीक है अच्छा याद रखिएगा कि जो पज़िटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो स्टेट वर्ब के सेंटेंस यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया था ना स्टेट वर्ब क्या होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं होता वो स्टेट वर्ब कहलाता है और स्टेट वर्ब में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं इजामार यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और उसके बाद हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव या नाउन तो जब हम ये ये पॉजिटिव प्रोनाउन का सेंटेंस सिखाना शुरू करते हैं तो हम पहले सहारा लेते हैं स्टेट वर्ब का फिर हम आते हैं एक्शन वर्ब के सेंटेंसेस में क्योंकि स्टेट वर्ब किसी भी जबान में अगर मैं कहूँ जब मैंने पश्तो सीखी या जब मैंने पर्शियन सीखी या जब मैंने चाइनीज़ सीखी तो इन तीनों जबानों में मैंने सबसे आसान क्या सीखा स्टेट वर्ब का जुमला बनाना तो वाकई आसान था इसीलिए जब हम छोटे बच्चों को शुरू करवाते हैं ना सेंटेंस मेकिंग तो हम सबसे पहले स्टेट वर्क के सेंटेंस सिखाते हैं बाद में एक्शन पर जाते हैं तो जब हम पजिटिव प्रोनाउन के सेंटेंस बनाने शुरू करें तो आप ख्याल रखिएगा जब आप अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हों या आप ख़ुद सीख रहे हैं तो आपने उनको इसी फार्मूला से सिखाना है पहले बाद में जब जब बच्चे इस फॉमूला के या, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ना माइंड योर्स हिज़ हर्स आर्स देअर्स जब बच्चे ये यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं उनका इसका सेंस आ जाता है तो वो आसानी से इन सेंटेंसेस को ना सिर्फ सब स्टेट वर्ड में बना लेते हैं बल्कि वो एक्शन वर्ड में भी आसानी से बना लेते हैं ठीक है तो अब जैसे लेजीनेस इज़ यर्स यानी सुस्ती आपकी है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ योर लेजीनेस ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया लेकिन लेजीनेस इज़ यर्स ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन यूज़ नहीं होता यानी अक्सर अवकात जब हम स्टेट वर्ड में बनाते हैं तो हम इसको आखिर में यूज़ करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है आखिर में आए सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है अब वो कैसे आएगा हम हाँ इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जैसे फॉल्ट इज़ हर्स ठीक है गलती उसकी है और शी सॉरी दे दीज dogs आर हिज़ अब ना ये ये जो सेंटेंस है ना ये पढ़ने में बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हिज़ ना सिर्फ पजिटिव एडजेक्टिव है बल्कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है ठीक है अब अगर कोई ऐसा बंदा जिसने पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं सीखा कभी तो वो ये कहेगा कि ये तो सेंसलेस सेंटेंस है हिज़ क्या दिज डॉग आर हिज़ लेकिन चूँकि मैं आपको आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन दिस प्रोनाउन चार्ट कि जो हमारा ही है उसका पजिटिव एडजेक्टिव भी हिज़ है और पजिटिव प्रोनाउन भी हिज़ है ठीक है अगर मैं कहूँ दीज आर हिज डॉग्स मैंने क्या कहा दीज आर हिज डॉग्स तो अगर ये सेंटेंस ऐसे था हिज़ डॉग्स होता तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस कहलाता और जो उसमें हिज़ होता वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता लेकिन इस सेंटेंस में जो हिज़ है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है पॉजिटिव प्रोनाउन है ठीक है जब हम सेंटेंस मेकिंग शुरू करेंगे ना इसकी तो इसको आपको ख़ुद समझ में आने लगेगा कि आप किस सेंस में इसका यूज़ कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज फ्रेंड्स ऑफ आर्स आर नाट हमारे दोस्त शरारती हैं मैंने भी आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के आखिर में ही आए हमारे सेंटेंस की क्रिएशन हमें बताती है कि हम इसको शुरू में यूज़ करना है या आखिर में फ्रेंड्स ऑफ आर्स आर नॉट ही अगर मैं इसको अब जो यहाँ पर है ना ऑफ ठीक है फ्रेंड्स ऑफ आर्ट अगर मैं इसको कहूँ कि आपने इस इसको इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को पद से फर्जेक्टिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे आर फ्रेंड्स हमारे दोस्त नाटी हैं या शरारती हैं तो फ्रेंड्स ऑफ आर्स आर नाट ठीक है दिस टी इज़ हर्स ये उसकी चाय है अब देखिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस मैं ऐसे भी कह सकती थी दिस इज़ हर टी मैं ऐसे भी कह सकती थी लेकिन वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता यहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है दिस टी इज़ हर्स ये उसकी चाय है हाउस ऑफ देअर्स इज़ बिग ठीक है हाउस ऑफ देयर्स इज़ बिग ये उनका घर बड़ा है अब मैं थोड़ा सा आसान करती हूँ इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करती हूँ कि आ, ये जो सेंटेंस है इन दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट करें मी या मिनट मैं अभी आपको समझाती हूँ जी मैंने यहाँ पर क्या किया है दो कॉलम्स बनाए हैं एक में मैं लिख रही हूँ पजिसिव एडजेक्टिव ठीक है पजिसिव एडजेक्टिव और यहाँ मैं लिख रही हूँ पदसिव प्रोनाउन अब हम ये कैसे डिफरेंस क्रिएट करें कि पदसिव एडजेक्टिव कैसा है और पदसिव एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट हम चेंज कर देंगे तो वो पदसिव प्रोनाउन कहलाएगा ठीक है तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखना चाहूंगी वो है नंबर बल्कि मैं आई शुड यूज़ ब्लू पेन नाउ के वो सेंटेंस है माई कार इज रेड मेरी गाड़ी लाल है ठीक है माई कार इज़ रेड मैं एक और यहाँ पर सेंटेंस लिखना चाहूँगी के दिस इज हर बुक ये उसकी गाड़ी है ठीक है एक और मैं सेंटेंस यहाँ लिखती हूँ के आर कैट इज अनवेल हमारी बिल्ली बीमार है ठीक है ठीक है दीज आर देयर दीज आर देयर वट टू से आइडियाज़ चले ऐसे कर लेते हैं ठीक है और अगर मैं एक और सेंटेंस यहाँ लिखूँ तो वो क्या होगा एक और मैं सेंटेंस यहाँ लिखती हूँ कि योर ड्यूटी इज़ टफ ठीक है अच्छा अब आप गौर करें जो ये मैंने सारे सेंटेंस लिखे हैं ना ये मैंने सारे सेंटेंस पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिखे हैं इसकी क्या पहचान है क्योंकि मेरे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आ रहा है ये देखें नाउन आ गया कार हर पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके बाद आ गया बुक फिर नाउन आ गया पॉजिटिव एडजेक्टिव है आर उसके बाद आ गया कैट ठीक है पॉजिटिव एडजेक्टिव है देयर उसके बाद आ गया आइडियाज़ पॉजिटिव एडजेक्टिव है योर उसके बाद आ गया ड्यूटी यानी नाउन आ गया अगर आप अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा ये पार्ट है सेंटेंस का माय कार इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन प्रेंग में और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा तो ये गलत नहीं होगा अब जो है ना माय कार मेरी गाड़ी इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कार ऑफ़ अब यहाँ पर माए नहीं आएगा क्योंकि हमारा माई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है माइन कार ऑफ माइन ठीक है कार ऑफ माइन Is रेड ठीक है इसी तरह ये जो हमारा यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है हर बुक ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा पहले हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे बुक बुक ऑफ हर्स देखिए मैंने गलत कर दिया ना पहले मुझे दिशा लिखना चाहिए था वेल दिस इज दिस इज बुक ऑफ हर्स ठीक है इसी तरह यह है आर कैट सिर्फ सेंटेंस का ये पार्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव से पॉजिटिव प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर आर कैट तो ये कैसे होगा कैट ऑफ आर्स ठीक है और जो ये है इज अनवल ये ऐसे ही रहेगा इज ठीक है इसी तरह हा? ये सेंटेंस है दीज आर देयर आइडियाज़ तो देयर आइडियाज़ को हम चेंज करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन में बाकी जो स्टार्ट है इसका ऐसे ही रहेगा कैसे दीज आर अब क्या हो जाएगा देयर आइडियाज़ पहले आइडियाज आ जाएगा आइडियाज ऑफ फिर आएगा देयर का आप पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है देअर्स दीज आर आइडियाज़ ऑफ देयर्स ठीक है इसी तरह जो फिफ्थ सेंटेंस है वो क्या है शुरू में योर ड्यूटी योर ड्यूटी अब योर ड्यूटी की जगह में हम क्या करेंगे हम पहले क्या लगाएंगे ड्यूटी ड्यूटी ऑफ योर्स ड्यूटी ऑफ योर्स हमने इसको चेंज कर दिया बाकी क्या है इज़ टफ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि मैंने जो कि पेजेस रखे हुए हैं पेजेस हिलते बहुत हैं इसलिए मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है वेल well, अब यकीन आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का डिफरेंस समझ में आया होगा मैंने जो ये बड़े बड़े से राउंड बनाए हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का पार्ट है इस सेंटेंस में तो हम सिर्फ इसी पार्ट को पॉजिटिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे जैसे ये था माई कार हमने पहले ऑब्जेक्ट लगाया फिर हमने ऑफ लगाया फिर माए का पजिटिव प्रोनाउन लगाया आप यू यू शुड मेक श्योर कि आप गलती में कार ऑफ माय ना कर दें वो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस प्रोनाउन अब इसके लिए आपको ना पद से प्रोनाउन का चार्ट इसके जो कॉलम है ये देखना पड़ेगा शी अका पद जैसे अगर है आ, हर कार तो कार ऑफ हर्स ठीक है अगर है आर मिस्टेक तो मिस्टेक ऑफ आर्स पॉजिटिव प्रोनाउन में एस आ रहा है आप देखें सिर्फ हिस्सा बाकी सब में एस आ रहा है माए जो है माइन हो गया तो ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करेंगे इस कॉलम के ज़रिए इस तरह मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह डिफरेंस क्रिएट करना है, तो यही वो तरीका है कि आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव को पहले आपने सोच लिया फिर आपने उसको पॉजिटिव प्रोनाउन में कहना है फिर आगे जो भी आपका सेंटेंस वो उसकी फॉर्मेशन वही रहेगी सो so, ये था पॉजिटिव प्रोनाउन आई एम प्रटी श्योर कि इस कॉलम की मदद से आपको यकीनन डिफरेंस क्रिएट जो मैंने किया है वो समझ में आया होगा अच्छा जी सो so, अब हमारे पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन रिफ्लैक्सि प्रोनाउन बहुत आसान है जैसे माई सेल्फ ठीक है योर सेल्फ़ हिम सेल्फ़ हर सेल्फ़ इट्स सेल्फ आर सेल्फ योर सेल्फ देम सेल्फ ये सब ठीक है अब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कि हमें खुद का लफ्ज़ जब यूज़ करना हो सेंटेंस में तो हम रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल सही होगा मैं इसमें कोई दो राय नहीं है अच्छा अब रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या कैसे यूज़ होता है इट इज़ यूज वेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम यानी ये तब यूज़ होता है जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो एक ही बंदा हो इट्स शोज डैट द एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट ऑन हिमसेल्फ इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है वो खुद पे एक्शन कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ख़ुद खाना खाती हूँ मैं छोटी बच्ची हूँ लेकिन मैं खुद खाना खाती हूँ यानी जो मैं खाना खाने का एक्शन कर रही हूँ मैं अपने आप पे कर रही हूँ ठीक है इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आ, मेरा भाई ख़ुद ड्राइव करता है माई ब्रदर ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ ठीक है Uh, वो खुद स्कूल जाते हैं यहाँ पर दे हो जाएगा दे गो टू स्कूल दैम उसने खुद अपनी शॉपिंग की शी डिड हर शॉपिंग हर सेल्फ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सें अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो आपका सब्जेक्ट कोई और हो और आपका आपने रिफ्लेक्सिव आपने प्रोनाउन किसी और ऑब्जेक्ट का किसी और सब्जेक्ट का यूज़ कर लिया हो इसीलिए आप देखें कि आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है नॉट नॉट सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ ठीक है आप ये नहीं कह सकते कि मैं खुद खाना खाता हूँ आई टेक फूड योर सेल्फ नो अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए माई अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो उसका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर होगा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी है और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ हो जाएगा नो no, वो गलत होगा ये ज़रूरी है ठीक है um, इसी तरह चले हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल में मैंने किस तरह इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है एग्जाम्पल में क्या है सबसे पहले ही गोज़ टू स्कूल हिमसेल्फ अब देखें आप देखेंगे रिलेट करेगा जो हमारा सब्जेक्ट है उसी से मिलता जुलता हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ठीक है दे डिड देयर वर्क देम सेल्वस उन्होंने अपना काम खुद किया तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है देम सेल्व्स ठीक है इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्शन जो सब्जेक्ट है उसने जो एक्शन किया है वो खुद पर किया है वो खुद रिसीवर ऑफ द एक्शन है ठीक है वो खुद ऑब्जेक्ट है इसीलिए लिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसी का यूज़ होगा वी डू स्टिचिंग आर हम खुद स्टिचिंग करते हैं तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आर बहुत सारे जब बच्चे इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना तो वो समझते हैं कि अगर मैंने कहा ना कि खुद को क्या कहेंगे अब सेंटेंस था ही से तो मैंने कह दिया खुद यहाँ पर ख़ुद होगा हिमसेल्फ़ तो इसका मतलब वो ये समझते हैं कि अब हर सेंटेंस में ख़ुद के लिए हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे नो no. आपने ये बात याद रखनी है कि जो सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब देखें एक बड़े मज़े का सेंटेंस मैंने लिखा कि इसमें योर सेल्फ आ रहा है एक में योर सेल्फ जा रहा है मैंने आपको बताया था यू सिंगुलर भी है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है सेकेंड पर्सन सिंगुलर है और यू सेकेंड पर्सन प्लूरल भी है अगर आपका सेंटेंस सेकेंड पर्सन सिंगुलर के लिए है यानी एक बंदे के लिए है तो आप उसमें योर सेल्फ एज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे और अगर आपका सेंटेंस सेकेंड पर्सन प्लूरल के लिए यू ऑल यानी आप सब ये प्लूरल हो गया तो फिर आप योर सेल्फ यूज़ करेंगे यू शुड फाइंड आउट योर मिस्टेक्स योर सेल्फ आप ख़ुद अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करें ठीक है या मैंने एक बंदे को मुखातब किया इसलिए मैंने यहाँ योर सेल्फ लिखा यहाँ मैंने ज़्यादा को मुखातिब किया था इसलिए मैंने ज़्यादा को के लिए और सेल्फ लिखा शी डज़ प्रैक्टिस हर सेल्फ़ वो ख़ुद प्रैक्टिस करती है अब शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है हर सेल्फ इट स्टॉप्स इट्स सेल्फ वो खुद रुक जाती है क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है ये ख़ुद रुक जाती है ये खुद रुक जाती है बिकॉज इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन सही है सो so ये था प्रोनाउन चार्ट ठीक है और प्रोनाउन चार्ट में हमने आज क्या स्टडी किया द द डिटेल ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छा थोड़ा सा लेंदी लेक्चर आज का भी क्योंकि मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती थी एक चीज़ का फ्लो फिर वो ख़त्म हो जाता है ना वो ना पढ़ाने का मजा आता है फिर ना वैसे पढ़ने का मज़ा आता है इसलिए मैंने सोचा कि आज पूरा प्रोनाउन चार्ट मैं ऐसे डिफाइन करूँगी सो आई एम प्रटी श्योर कि आपको प्रोनाउन चार्ट समझ में आ गया होगा इसका इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं किस सेंस में यूज़ करते हैं कहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है कैसे हमने पजिटिव एडजेक्टिव और पजिटिव प्रोनाउन यूज़ करना है कैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है ये सब चीज़ें आज मैंने डिटेल में डिफ़ाइन की हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आपके आपको कोई भी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है आप मुझसे कॉमेंट्स में जान सकते हैं आई विल इनशाला ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू रिप्लाई ऑफ यर कॉमेंट्स ओके सो टमोरो वी विल स्टडी वॉट इज़ वर्क क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चल रहा है हमारा तो हम ये स्टडी करेंगे कि वर्ब क्या है वर्ब की फॉर्म्स क्या हैं फिर उसके बाद हम मजीद पार्ट ऑफ स्पीच पे की तरफ जाएँगे लेट से टाटा